भाई देखो, जब से ग्लोबल एनकैप ने गाड़ियों को टेस्ट करना स्टार्ट किया है ना, हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है गाड़ी खरीदने से पहले, वो आती है सेफ्टी। अब हुंडई एक्स्ट्रा लॉन्च हुई है, इसके अंदर सेफ्टी के फीचर बहुत सारे हैं और ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो फर्स्ट इन क्लास है, यानी फर्स्ट इन सेगमेंट है, और ऐसे फीचर्स भी हैं जो फर्स्ट इन बेस्ट इन सेगमेंट है। तो आइए उन सब के बारे में बात करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। अब एक्स्ट्रा में क्या अलग किया गया है, सबसे पहले इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से गया। मान लीजिए आगे से इंपैक्ट होता है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे पीछे वाले एरिया तक जाएगी, तो दैट एक्सीडेंट का इंपैक्ट जो है वो कम रहने वाले। इसके अंदर हाई और ड्यूरेबल स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गाड़ी की सेफ्टी काफी अच्छी हो जाती है। हालांकि इसके अंदर ग्लोबल एनकैप में अभी तक कोई रेटिंग नहीं आई है। सबसे पहले करें सेफ्टी फीचर के बारे में बात करें पर्टिकुलरली, तो फर्स्ट इन सेगमेंट इसको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी लागू करने वाला है कि आपको 6 एयरबैग्स हर गाड़ी के अंदर देना कंपलसरी है। तो कंपनी ने सोचा कि यार बाद में देने से बेटर है अभी इसको ऑप्टिमाइज कर दिया जाए 6 एयरबैग्स का। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 5,99,900 रुपीज, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है। तो आप अगर अभी बुक कराएंगे तो आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिलेगी। तो छोटे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पीछे की तरफ आते हैं, रियर पार्किंग सेंसर ABS आता है विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ESC आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड आता है सो दैट आप गाड़ी को ऊपर चढ़ाते टाइम पे अगर आपकी गाड़ी अटक जाती है बीच में तो हिल होल्ड आपको असिस्ट करेगा, आप गाड़ी को ऊपर चढ़ा सकते हैं। TPMS आता है गाड़ी के अंदर इनबिल्ट, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, की जो आपको पर्टिकुलर हर टायर के बारे में बताएगा कि कौन से टायर में कितनी हवा है। और एक और अच्छी बात यह है कि ये 10+2 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, यानी कि आप एलेक्सा से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई मेरी जो टायर की हवा है, गाड़ी की टायर की हवा है वो बताओ, वो अपने आप ही आपको कौन से टायर में हवा कम है वो बता देगी। अगर आप गाड़ी के पीछे की तरफ देखेंगे तो जो सेंटर पैसेंजर है, सेकेंड रो में जो सेंटर पैसेंजर है, उसके लिए भी यहाँ पर 3-point सीट बेल्ट दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा एक एडिशन किया गया है 3-point सीट बेल्ट। और जितने भी पैसेंजर यहाँ बैठेंगे सबके लिए यहाँ पर सीट बेल्ट रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि अगर कोई भी आपकी गाड़ी के पीछे बैठता है तो हर एक को यहाँ पर सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी हो जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको हेडलैम्प एस्कॉर्ट सिस्टम तो मिलता ही है, यानी कि फॉलो मी हेडलैम्प होता है वो यहाँ मिलता तो है, साथ में बर्गलर अलार्म सिस्टम मिलता है, जिस गाड़ी अगर चोरी करने की कोई कोशिश करेगा तो गाड़ी अलार्म बजाना स्टार्ट कर देगी, तो आपको बाहर से लगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। सेंटर लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है सारे बेस वेरियंट्स गाड़ियों के अंदर, अलग अलग वेरियंट्स के अंदर, कहीं में फोल्डेबल की आएगी और कहीं पर स्मार्ट की आने वाली है। अब जैसे ही गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर जाएगी, गाड़ी के जो डोर्स हैं ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, और जैसे ही इंपैक्ट को सेंस करेगी गाड़ी, एयरबैग खुल गया, सीट बेल्ट प्रीटेंशन लोड लिमिटर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वहीं पर जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएंगे, सो दैट अगर इंपैक्ट होता है जो डोर्स हैं वो जैम ना हो। गाड़ी के अंदर बर्गलर अलार्म के साथ साथ इमोबिलाइजर भी आता है, तो अगर आपकी गाड़ी कोई बिना चाबी के चोरी करके ले जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर हाई स्पीड में गाड़ी चल रही है तो वहां पर अलार्म बजने लग जाएगा 120 के आसपास के, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। उसी के साथ अगर आप इमरजेंसी के अंदर ब्रेक लगाते हैं तो चारों जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आप गाड़ी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर डैश कैम भी आता है, वो भी ड्यूल कैमरा के साथ, यानी कि वो फ्रंट का रिकॉर्ड तो करेगा ही, पीछे की तरफ ही यानी कि जो कैबिन है उसके अंदर भी रिकॉर्ड करेगा, सो दैट कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी परेशान कर रहा है आपको तो उसको भी आप रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं। अब देखिए, जितने फीचर्स मैंने आपको बताए ये सारे सेफ्टी के फीचर्स है, ये स्टैंडर्ड है इस गाड़ी के अंदर, खासतौर पर जो 6 एयरबैग का फीचर है वो स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर दिया गया है। मेरे को लगता है ये सारे फीचर्स जो है ना हर एक गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, सो दैट जो हमारी ड्राइविंग है वो ज़्यादा स्टेबल रहे, ज़्यादा सेफ रहे और हम निश्चित होकर गाड़ी को चला सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैंने कोई फीचर मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको क्या लगता है कि कौन सा फीचर इस गाड़ी के अंदर और आना चाहिए था सो दैट हमारी ड्राइविंग सेफ रहे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।